नमस्कार, मैं हूं प्रणव सेवल्टी प्रणवानंद और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज का लाजर कल। तो आइए जानते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। हमारी ओर से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी के निधन पर भी मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,809 नए मामले आए और 1,133 मौतें हुई हैं। देश में कुल मामले 42,80,423 आए हैं और कुल मौतें 72,775 पहुंच गई हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म्स के कार्यालय के बाहर नोटिस लगाया है, जिसमें अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस साल 14,000 नियुक्तियां करने की योजना है। सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में ग्रीस की मारिया सकारी को हराकर सेरेना ने जगह बनाई। वहीं विश्व नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।